हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं स्पीच पाठशाला। आज हम देख रहे थे यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2012 का पेपर एनालाइज कर रहे थे, जिसमें हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हमारा 15 नंबर सवाल है, जो समाचार पत्र और भाषा दिया इसको सम्मिलित करना है। तो हमारा संपूर्ण पता कि भारत मित्र जो है हिंदी भाषा में निकलता था, राष्ट्रमत जो निकलता था ये मराठी भाषा में निकलता था, प्रजामत जो मित्र निकलती थी गुजरात में निकलती थी, गुजराती जो था, और नायक जो है ये बंगाली था। तो आप लोग इसका सही आंसर जानते होंगे कि ये का तीन है। तो भारत मित्र जो है ये हिंदी में था, राष्ट्रमत जो राष्ट्रमत ये मराठी में था, और प्रजामित गुजराती में, तो नायक बंगाली में। तो हमें पता है कि भारत मित्र जो है ये का तीसरा हो जाएगा। तो ये का तीसरा हमारा इसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। 1937 के चुनाव में 50 यूपी गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग में सौंपा गया था? तो 16वां नंबर जो सवाल है हमारा है, तो वित्त विभाग रफ़ी अहमद किदवाई को दिया गया था। तो इसका सही जवाब हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन आंदोलनों में महिलाओं की घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? तो 17 नंबर का सवाल जो हमारा हो जाएगा, तो इसमें हमारा सभी जो है इन सभी आंदोलनों में क्या नाम, स्वदेशी व्यवसाय को सभी आंदोलन 1, 2, 3, 4 इन सभी में क्या हुआ, महिलाओं ने चार दीवारी घर से बाहर निकला। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा आया, वह राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे? तो इस समय तो बिल्लभ भाई पटेल थे। निम्नलिखित में कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? निम्नलिखित कॉलेज में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? तो हम लोग जानते हैं हिंदू कॉलेज कोलकाता। उसके बाद में हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना 1857 में हुई और डेविड हेयर की सहायता से राजा राम मोहन राय ने की थी। मेयो कॉलेज 1875 में, मुस्लिम एंग्लो वॉलंटियर द्वारा 1875 में, और दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हिंदी कॉलेज पहले हमारा जाएगा और दिल्ली कॉलेज दूसरे नंबर पर हमारा है, और फिर तीसरे नंबर पर ये और चौथे नंबर पर। तो हमारा ये सही जवाब हो जाएगा, सबसे पहले हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना हुई थी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।